बानरहाट सेंट्रल डुअर्स हैंडीकैप्ड एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हल्दीबाड़ी चाय बागान के फुटबॉल मैदान में 13वां दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम किए गए, जिसमें कई विशिष्ट व्यक्तियों को भी उनके समाज के प्रति योगदान पहुंचाने को लेकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं शिक्षक मनोज भुजेल, सरोजनी सिल, चंद्रनाथ भट्टाचार्य, उदय शंकर भगत, श्याम राज विश्वकर्मा, शिवराज प्रधान सहित कई उपस्थित थे। संस्था के संस्थापक एवं महासचिव बसंत सोनार ने बताया, प्रतिवर्ष इलाके के दिव्यांगों को लेकर संस्था द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। कार्यक्रम के जरिए उन्हें एक मंच पर लाकर उनके हक एवं अधिकार के बारे में भी सचेत किया जाता है। विकलांगों के लिए प्रतिवर्ष पालन किए जाने वाला विकलांग दिवस के प्रति उन्हें स्मरण भी कराना है। उन्होंने बताया, आज इस कार्यक्रम के जरिए 70 विकलांग लोगों को कंबल भी वितरण किए गए एवं धरनीपुर इलाके में विकलांगों के स्वनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष केंद्र की स्थापना किए जाने की भी जानकारी उन्होंने कार्यक्रम के जरिए दी। तो उनके मैं जो माता जी साथ में आए हुए हैं, तो मैं आदरणीय मनोज भुजेल जी को ये कमल प्रदान करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आज खुशी मिल रही है इस तरह के कार्य करते हुए, क्योंकि ये जो समाज के सक्षम लोग हैं वो आगे आए और इस तरह के लोगों को सहयोग करें। मैं संस्था की ओर से सभी को मैं आज इस आज वर्ल्ड डिजेबल डे ये हम हर वर्ष मनाते हैं, और ये वर्ल्ड डिजेबल डे इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे जो भाई बहनों को, दिव्यांग बच्चों को, उनको पता चले कि हमारा भी कोई दिवस है, हमको भी कोई सम्मानित करे। तो इसी विषय में हम लोग एक खुशी का माहौल पैदा करते हैं ताकि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं वो हमेशा घर में बैठा रहता है, तो इसी बहाना से वो एक चेहरा होने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए ये मंच में हम लोग उनको लेके आते हैं और उनको कुछ कपड़े उपड़े हम लोग प्रदान करना चाहते हैं कि ठंडा में उनको अच्छा लगे, ताकि उनको कपड़े मिले। कि हमारे ये जो दिव्यांग भाई हैं इनके लिए एक आज धरनीपुर पाइपलाइन में दिव्यांग बच्चों के लिए घर बनने जा रहा है, तो ये खुशी की बात है। आप लोग सभी आए आगे और दिव्यांग बच्चों का घर बने ताकि उनको हम लोग स्वरोजगार मतलब पैदा कर सकें, उनको एक मतलब अपने खुद पैरों में खड़ा होने के लिए उनको एक अच्छा मकान मिले, मौका मिले, ताकि उनको हम लोग हर प्रकार के प्रोग्राम वगैरह उनको सिखा सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ हमारे उपस्थित मनोज सर हैं और जॉन बारा जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, उनको भी मैंने आवेदन पत्र दिया हुआ है। अभी वो उन्होंने बोला कि ये 3 महीना के अंदर में सिलाई मशीन 50 पीस हम आपको देंगे इस संस्था को, ताकि इसके माध्यम से हम हर लोगों को कपड़ा सिला सके, सिलाने के बाद में उनको एक रोज़गार मिले। हम लोग भी चाहते कि छोटा सा एक फैब्रिकेटर्स कंपनी हो, ताकि संस्था के माध्यम से उसको हम लोग चला के उनको हम लोग एक रोज़गार दे सकें। आज जो यहाँ बानरहाट सेंट्रल डुअर्स हैंडीकैप एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, यहाँ पर आकर के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज दिव्यांग बच्चों के बीच में यहाँ आकर के इस कार्यक्रम का सहभागी बना। मेरा समाज से यही निवेदन है, आग्रह है कि सभी समाज इन दिव्यांग बच्चों के सहयोग के प्रति आगे आए एवं इनको भी समाज में इनको हेय दृष्टि से ना देखे एवं इनको सहयोग करके जो समाज का जो दैनिक जीवन है इसमें इनको भी आगे बढ़ने के लिए मदद करे। आने वाला दिन में आप लोग ये दिव्यांग को किस प्रकार का हेल्प करें? दिव्यांग बच्चों को विशेष करके जो इनका जिस तरह से इनका मैंने डिजेबिलिटी है, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि इनको जिस प्रकार का ज़रूरत होगा उसको हम लोग अपना तरफ से फुलफिल करने का कोशिश करेंगे।